ka gagana. Pati ko lekha to matlab hamari baat jab usse hui to nase mein tha, raat ko bhi nase mein tha, logon ne bataya jo hame jab humne usse baat kari to nase mein tha, itna nase mein tha ki usse khud ko bhi matlab nahi ho pa raha tha, baar baar wo apni patni par ye matlab ye blame karte ja raha tha ki meri patni ne galat kiya aur usne apne bachcho ko lekar ke matlab aatmahatya kar li, mera usne mara wo galat kaam kar rahi thi isliye maine usko mara, ye sab matlab wo baatein kar raha tha. और जो पड़ोसियों की बात है, पड़ोसियों का भी ये कहना है कि ये आदमी मतलब मेहनत तो करता था लेकिन साथ साथ इसमें बुरी आदत ये थी कि ये नशे का सेवन करता था, तो दारू पीता था, जिसके कारण इसका आज परिवार मतलब इससे बिछड़ गया है जी. और यहाँ पर अगर पुलिस की बात की जाए तो अब तक जो प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस तो अभी मतलब की जो मुखिया है, जो अपना जो मेन मुखिया है धांधू की बात को लेकर के मतलब लगी हुई है कि मतलब धांधू ने जो बताया कि मतलब पत्नी के अवैध संबंध को लेकर के जो उसे पिटाई लगाई थी उसकी वजह से सुबह मतलब उसकी पत्नी और पूरे परिवार के लोग गायब मिले. तो पुलिस ये कह रही है कि मतलब ये मुखिया ने जो हमें बताया हम फिलहाल में उस पर तस्दीक कर रहे हैं और एफएसएल टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी. एफएसएल टीम भी उन गाड़ियों का मुआयना कर रही है. महिला के तरफ से एक चोट का निशान भी था, पट्टी भी बनी हुई थी, तो इसे स्पष्ट नजर आ रहा था कि परिवार में विवाद हुआ था संबंधों को लेकर. तो क्या यहाँ पर चोर ये हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि जो पति था इस महिला का काफी शराब का सेवन करता था, उसके साथ मारपीट भी करता था, तो यहाँ पर अपने आप को बताने के लिए ये शख्स उस महिला पर यहाँ पर अवैध संबंधों का आरोप लगा रहा है? सीधा कह सकते हैं कि मतलब ये बात तो मतलब हम भी अंदाजा लगा रहे थे कि मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए उसने महिला पर गलत इल्जाम लगा रहा है कि अभी संबंध से इसको लेकर के मैंने इसके बताया कि हो सकता है कि पति ने ही अपनी पत्नी और बच्चों को ले जा करके तालाब में डाल दिया हो. ये भी इससे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हो सकता आगे जब अगर आ जाए तो ये कहना संभव भी है, हाँ ऐसा भी हो सकता है. चलिए निंदिशोर, आप इस पर नजर बनाए रखें और इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद. तो यहाँ पर बैतूल में एक घटना पुलिस सामने आई है जहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या ही है, क्योंकि यहाँ पर कई जो कोर्ट है इस पूरे मामले के उसके हर एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों में इस पूरे घटना को लेकर काफी दहशत है, अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई. यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा जो था वो 6 साल का बताया जा रहा है, जिसे अपनी पीठ से बांध कर ये महिला पानी में कूद गई और यहाँ पांचों लोगों की जो लाश है वो फिलहाल बरामद कर ली गई है.